क्योंकि लोग बाग मुझे कहते हैं कि रात को ये रात का 1 बजे है, मैं ये कहता हूँ ये सुबह का 1 बजे है। इसका मिशन फिर वही है कि आज की जो कोविड जो चल रहा है, संक्रमण चल रहा है, इसकी अवेयर के लिए, और दूसरा HIV मेरा मिशन है, तीसरा मेरा मेडिकल। तो सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सुबह जल्दी उठ जाओ, और अपनी टैबलेट से नहीं बनेगी, कोई टॉनिक देने से नहीं बनेगी, 2 दिन में 4 दिन में नहीं बनेगी। साइकिलिंग करो, वर्जिश करो, एक्सरसाइज करो और अपनी इम्यूनिटी बनाओ, और कोरोना बिल्कुल आपके ऊपर वार नहीं करेगा, और दूसरी कोई बीमारी आपके ऊपर। करनाल तक चलते हैं डॉक्टर अनिल नौसरान की साइकिल यात्रा के साथ। आज हम आपको दिखाने वाले हैं लाइव ये पूरी साइकिल यात्रा, बहुत ही रोचक, रोमांचक और बहुत ही इंस्पायरिंग होगी ये यात्रा। दिखाते हैं आपको आज लाइव पूरी यात्रा। दोस्तों, साइकिल वाले डॉक्टर साहब यानी अनिल नौसरान फिर निकल पड़े आज करनाल की यात्रा पर, और मेरठ शहर के बेगमपुल से चले वो। ये जो माइलस्टोन हमने आपको दिखाया है, ये कंकरखेड़ा का है जो लगभग 7-8 किलोमीटर आगे है। तो 110 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा ये एक तरफ से है, और आप देख सकते हैं ये शामली पहुँचे हैं रात में 1 बजे चले बेगमपुल से, और सुबह 6 बजे करनाल पहुँच गए डॉक्टर नौसरान। पूरी यात्रा के दौरान मैं उनके साथ था, वो साइकिल से चल रहे थे और मैं गाड़ी से चल रहा था। मैंने इस पूरी यात्रा को कवर किया है, और ये जो सड़क के किनारे पट्टी होती है उस पर साइकिल चलाते हैं डॉक्टर नौसरान। ये यमुना पुल है, बॉर्डर है, और ये पहुँच चुके हैं करनाल के अंदर, और ये करनाल का नमस्ते चौक है जहाँ से वहाँ के कुछ डॉक्टर रजत के साथ मौजूद थे उनके स्वागत के लिए, IMA के सदस्य। तो चल दिए हैं कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ, और ये नमस्ते चौक से करनाल में कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक ये साइकिल जागरूकता यात्रा है, साइकिल जागरूकता रैली ये IMA ने वहाँ के निकाली है। और नमस्ते चौक पर स्वागत के लिए कुछ डॉक्टर्स पहले से तैयार थे साइकिलें लेकर, और वो लेकर जा रहे हैं डॉक्टर नौसरान को। डॉक्टर नौसरान जा रहे हैं आगे, अब कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ बढ़ रहे हैं IMA के करनाल के सदस्यों के साथ। कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल पर बहुत सारे डॉक्टर्स डॉक्टर नौसरान का वेट कर रहे हैं, और वहाँ से पूरी साइकिल यात्रा आगे बढ़ेगी ये पूरे शहर के विभिन्न हिस्सों से होते हुए। और ये बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पर मिले हैं, यहाँ से इकट्ठा होकर के निर्मल बाबा चौक से इकट्ठा होकर के अब कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक ये साइकिल रैली जाएगी, और डॉक्टर्स IMA के डॉक्टर शहर के तमाम प्रतिष्ठित डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर नौसरान के स्वागत के लिए इकट्ठा हैं, और वो एक जागरूकता की अलख सुबह सुबह पूरे शहर में जगाने के लिए निकल पड़े हैं। स्थानीय स्तर पर मीडिया के लोग यहाँ आए हुए हैं, यूट्यूबर्स हैं, और करनाल न्यूज़ नाम से जो यूट्यूबर हैं वो भी यहाँ हैं, और ये पूरी टीम डॉक्टर्स की, एक एम्बुलेंस भी इसके आगे चल रही है, पुलिस ने भी इंतज़ाम किया है कि इस यात्रा को कोई दिक्कत ना हो, ये पुलिस भी मौजूद है जो आगे आगे चलेगी इस यात्रा के। और ये करनाल न्यूज़ के रिपोर्टर और कैमरामैन हैं जो यहाँ लाइव कवर करने आए हैं इस पूरे कार्यक्रम को, और ये पुलिस के लोग जान रहे हैं कि क्या रूट रहेगा इस साइकिल यात्रा का, ताकि वो उसी हिसाब से आगे चल सकें इस यात्रा के, कोई जाम की स्थिति ना हो। हालांकि करनाल शहर बहुत ही खूबसूरत है, हरियाली बहुत है, सड़कें बहुत चौड़ी दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, और ये सारे डॉक्टर्स निकल पड़े हैं साइकिलें लेकर डॉक्टर नौसरान के साथ। साइकिल वाले डॉक्टर के नाम से मशहूर हो चुके हैं देश भर में डॉक्टर नौसरान, देश भर में 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा यात्रा कर चुके हैं साइकिल से ही, और जगाते हैं अलग
लोगों को कहते हैं कि वो शादी से पहले मेडिकल कुंडली जरूर बनवाएं, HIV के प्रति जागरूक कर रहे हैं, कोरोना काल में लोगों को इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए अपने को फिट करने की तरकीबें सिखा रहे हैं, अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए वो साइकिलिंग की सलाह दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कैसे 5 घंटे में 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, औसत रफ्तार से वो मेरठ से चले और लगभग 5 घंटे में वो करनाल पहुंच गए। रात 1 बजे चले थे और सुबह 6 बजे वो करनाल में थे। कुछ देर के लिए 10-15 मिनट के लिए शामली में ज़रूर रुके। और ये देखिए बच्चे भी हैं, डॉक्टर्स के बच्चे भी इसमें शामिल हुए और तमाम सीनियर डॉक्टर्स, शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर्स इस यात्रा में, इस रैली में शामिल हो गए हैं डॉक्टर नौसरान के साथ। और डॉक्टर नौसरान का कहना है कि वो पूरे देश में भ्रमण करके इसके लिए अलग जगाना चाहते हैं कि लोग मेडिकल कुंडली बनवाएं शादी से पहले और इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए खुद को फिट रखें, खुद का स्टेमिना डेवलप करें। वो यहाँ आम लोगों को भी इंस्पायर करते हैं, सेंसिटाइज करते हैं यात्रा के जरिए, रैली के जरिए। और जो डॉक्टर्स हैं उनको खास तौर पर वो ट्रेनिंग देते हैं, वो फिटनेस का पार्ट डॉक्टरों को भी पढ़ाते हैं। और ये कारवा बढ़ रहा है कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल की तरफ। वहाँ मेडिकल कॉलेज के गेट पर ये सब लोग एकत्र होंगे और यहीं पर मीडिया से बातचीत का कार्यक्रम रखा गया है, यहीं पर डॉक्टरों से संवाद का कार्यक्रम रखा गया है। खुले में, ओपन में सब डॉक्टर्स अपनी साइकिल के साथ खड़े होंगे और डॉक्टर नौसरान वहाँ सबसे संवाद करेंगे, संबोधन करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत आयोजन है और IMA करनाल के डॉक्टरों का उत्साह देखते ही बनता है। उत्साह से लबरेज इन युवा और सीनियर डॉक्टर्स ने बहुत ज़बरदस्त खैर मकदम किया है डॉक्टर नौसरान का, और बहुत ही शानदार स्वागत करने के साथ साथ उनके भीतर से जो आत्मीयता झलक रही है वो वाकई में अद्भुत है। वो जताती है कि अपने कुलीग को लेकर के वो कितना उत्साहित हैं और डॉक्टर नौसरान की इस यात्रा से वो कितना इंस्पायर हैं, वाकई अद्भुत है। बहुत सम्मान डॉक्टर नौसरान को यहाँ IMA ने दिया। ये देख सकते हैं आप, कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज है ये, और यहाँ इसके गेट पर अब इकट्ठा हो रहे हैं ये साइकिलिस्ट, नन्हे साइकिलिस्ट इसमें कई हैं, और ये सब अपनी साइकिलों के साथ मुस्तैद हैं। इसमें सर्जन हैं, इसमें फिजिशियन हैं, इसमें अपने अपने फील्ड के महारत हैं हासिल किए हुए डॉक्टर्स हैं, और कई इसमें पैथोलॉजिस्ट हैं, अपने अपने सेगमेंट के बहुत ही वरिष्ठ और करनाल शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर्स यहां पर मौजूद हैं। वो सब अपनी साइकिलों के साथ आए हैं। इनकी साइकिलों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वास्तव में रूटीन में साइकिलिंग करते हैं। डॉक्टर नौसरान यहाँ सबके साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं अपनी यात्रा का अनुभव, अपनी यात्रा का मकसद। और यहीं पर मीडिया के लोग पहुंच रहे हैं, मीडिया के लोगों से बातचीत का कार्यक्रम भी रखा गया है। डॉक्टर रजत इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं करनाल न्यूज़ के कैमरामैन और रिपोर्टर दोनों यहाँ ब्रीफिंग कर रहे हैं। और ये एक इनका लाइव कार्यक्रम था, हमने भी इस पूरे कार्यक्रम को लाइव कवर किया है और एक एक स्टेप पर हम इस पूरी यात्रा में साथ रहे हैं। सबसे पहले मैं IMA करनाल को थैंक्स करता हूं और जो उन्होंने मुझे इतना वेलकम किया है, इतना स्वागत किया है, उसके लिए मैं कि यहाँ के प्रेसिडेंट साहब हैं, सेक्रेटरी और जितने भी मेम्बर हैं, पहले उनका मैं धन्यवाद करता हूं। और जो मैंने प्रेसिडेंट सर को, यहाँ के करनाल के प्रेसिडेंट सर को मैंने बताया था कि मेरा मिशन क्या है, कि मेरा एक स्लोगन है कि शादी से पहले मेडिकल कुंडली बनवाएं, लड़के लड़की का HIV टेस्ट कराएं। साथ में उसमें क्या है कि कोई किसी भी परिवार के अंदर कोई बीमार बच्चा हो जाता है, उस परिवार की इकोनॉमी पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, जो दूसरे बच्चे होते हैं उनका डेवलपमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि जो अर्निंग है, जो पैसा है, बीमार बच्चे की तरफ डाइवर्ट कर जाता है, हेल्दी बच्चे की तरफ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। और वो इसलिए तो मैं IMA करनाल की तरफ से डॉक्टर अनिल नौसरन का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और उनको शुक्रिया कहता हूँ कि उन्होंने मेरठ से
साइकिल पर आके करनाल में ये संदेश देने के लिए कोशिश की है। हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि हम भी उनके मिशन में उनका सहयोग करें, और ये जो संदेश वो दे रहे हैं वो संदेश आज हमें देके जा रहे हैं, ये संदेश को हम आगे बढ़ाना ही चाहिए। जैसे इन्होंने बताया कि शादी से पहले हम कुंडली मिलाया करते थे, बाद में मजाक में लोग कहते थे कि सास के साथ कुंडली मिलानी चाहिए, अब इन्होंने मेडिकल कुंडली की बात की है, ये तो बहुत लोगों को मेडिसिन के ऊपर नौसरान बता रहे हैं हेल्थ के ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई नहीं तो मैं देखता हूँ मेरे साथ वाले भी कोई कह रहा है कि मैं हाइपरटेंशन की, कोई शुगर की, ये दो तो ऐसी चीज़ हैं कि इनको तो सबने अपने साथ ऐसा कर रखा है कि ये तो अरे कोई नहीं तो खा लेते ही दीजिए दो टैबलेट ही तो खानी है। और मैं उसमें मैंने देखा कि मरीज देख रहे हैं चेहरा तो पता नहीं कब हंसे होंगे पता नहीं कब हंसे होंगे और कब कब चैन से खाया होगा। मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हम इस दुनिया में क्या मकसद है हमारा, क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, और क्या कॉन्सेप्ट ये है, आपको 60 साल में फ्यूज क्यों होना है, 100 साल में क्यों नहीं फ्यूज होना, 120 साल में क्यों नहीं फ्यूज होना, आप अपनी अपनी लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है इसको क्यों नहीं बढ़ाना है, ये इतनी खूबसूरत दुनिया है इसको क्यों जा रहे हो यहाँ से ऐसे महरूम हो गए। देख रहा हूँ कि ये दुनिया इतनी खूबसूरत है कि आप ये कहोगे कि अरे और टाइम मिल जाए इसको देखने के लिए, और टाइम मिल जाए तो हम 40 साल की उम्र में 50 साल की उम्र में मेरे शहर के मेरे कितने डॉक्टर निकल चुके हैं भाई, किस लिए आए थे, 30 साल तक पढ़ाई की, 30 से 40 साल ऐसी तैसी करवाई, धागा दौड़ी, दुकान मकान अपना इससे करवे करके फिर निकल लिए क्या फ़ायदा हुआ है जीवन में आने का। और अपनी हेल्थ के लिए टाइम दो, एक्सरसाइज का टाइम दो, अपने टाइमिंग फिक्स करो अपने काम के, आई एम ए करनाल ने डॉक्टर नौसरान की इस यात्रा को एक यादगार यात्रा में बदल दिया, उन्हें एक प्रशस्ति पत्र दिया और सुबह के नाश्ते का शानदार आयोजन भी, और एक ग्रुप फोटो भी हुआ कॉफ़ी क्लब में, और इसके बाद फोटो सेशन के साथ विदा ली डॉक्टर नौसरान ने करनाल के साथियों से, और वो पहुँचे शामली। यहाँ आप देख रहे हैं शामली IMA के डॉक्टर्स हैं ये, जो डॉक्टर नौसरान का शामली पहुंचने पर स्वागत कर रहे हैं। करनाल से वापस लौटते समय शामली में कुछ देर के लिए डॉक्टर नौसरान रुके, यहाँ पहले से शहर के तमाम प्रतिष्ठित डॉक्टर्स इंतज़ार कर रहे थे उनका। यहाँ पर डॉक्टर नौसरान ने सबको हेल्थ टिप्स दिए डॉक्टरों को, और उनको खुद फिट रहने के लिए भी प्रेरित किया। इसके बाद यहाँ पर एक शानदार कार्यक्रम हुआ, और IMA के अध्यक्ष और सचिव ने भी यहाँ बात रखी, डॉक्टर नौसरान को एक प्रशस्ति पत्र दिया, एक बुके भेंट किया, और उसके बाद डॉक्टर नौसरान ने यहाँ के डॉक्टरों से जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, और एक फ़ोटो सेशन के बाद वो यहाँ से मेरठ के लिए वापस रवाना हो गए, और आज वो मेरठ पहुँच गए हैं। हम आपको दिखाते रहेंगे ऐसी ही कहानियाँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। हम साइकिल वाले डॉक्टर साहब के अनोखे टिप्स, फिटनेस टिप्स, हेल्थ के टिप्स लेकर के फिर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ, अपना ख्याल रखिए, फिट रखिए, इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए काम करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।